ये बहुत ही टेस्टी दही गुजिया बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सिटी होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बनाएंगे दही गुजिया। तो ये है मूंग की दाल। आप चाहे तो उड़द दाल को भी भिगोकर बना सकते हैं। ये अच्छे से रात भर भिगोया हुआ है, अब इसको पीस लेंगे। पहले इसको ऐसे ही पीस लेंगे, फिर बाद में इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये मूंग दाल है, आसानी से पिसा जाएगा। ये बिना पानी के ही पिसा गया है मूंग दाल, तो इसलिए पहले बिना पानी का ही पीसिए। और इसको निकाल लेंगे बर्तन में। इस तरह का है ये, और है ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बारीक कटा हुआ। इसमें काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब एकदम बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ है। ये एक लीजिए 7 प्लास्टिक, और इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और तेल गरम कर लीजिए, सरसों तेल, और इस तरह से डालिए। ये पिसा हुआ दाल, और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बीच में डालिए। और अब ऐसे इसको पलट लीजिए। ये है एक केक काटने वाला चाकू, उसे दाल को जमा कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये मूंग दाल है तो इसलिए ये इस तरह से अलग होगा। तो दोनों साइड से अच्छे से पकाइए।
यह इस तरह से बन के तैयार है। ऐसे ही पूरा बना लीजिए। और अगर तेल से बनाने के बाद इस तरह से प्लास्टिक हो जाता है तब इसमें लगाइए थोड़ा सा पानी। पानी ज्यादा मत लगाइए नहीं तो दाल और पतला हो जाएगा। थोड़ा सा ही पानी लगाइए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालिए। बस इसी तरह से एक एक करके बनाते जाइए। अब इसी तरह से ये सब बना लीजिए। अब एक बर्तन में लीजिए पानी, नॉर्मल पानी है ये, और इसमें थोड़ा सा डालिए हींग। अब ये है थोड़ा सा नमक, प्लेन नमक है ये, सफेद नमक। इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसमें डालिए सभी भुजिया को। और इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए पानी में। यह दही, दही को अच्छे से फेंट लीजिए। अब इसको निकालिए पानी से। बाकी सभी को पानी में ही डूबा हुआ रहने दीजिए। यह है हरी चटनी। आपको जो भी चीजें पसंद हो वो लीजिए। यह थोड़ा सा टमाटर सॉस। ये है काला नमक। यह है चाट मसाला। और यह दही गुजिया बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी।